एवरी नाइट प्रत्येक रात्रि को रास करने को महाराज करने को आते हैं, रात्रि में कोई रुकता नहीं है। जो इंसान छिप करके यहाँ पर महाराज देखा, सुबह में जीवित नहीं बचा, उसका बॉडी रह गया और उसका आत्मा परमात्मा के साथ चला गया। उसका साक्ष्य यानी कि सबूत यहाँ पर है, जो मैं आपको आगे में दिखलाऊंगा। अंदर में 6 स्थान है। पहला स्थान है ललिता कुंड, दूसरा वृंदावन बिहारी जी का प्रकाट स्थली, तीसरा है रंग महल राधा रानी का श्रृंगार घर, जो 7 तालों में आपने सुना होगा वो सब बतलाऊंगा। महाराज स्थान, बंसी चोरी राधा रानी और स्वामी हरदास जी का समाधि। जैसे जैसे स्थान पड़ेगा पूरा लीला महत्व तो जानकारी सभी मैं आप लोगों को बतलाते हुए चलूंगा। भगवान श्री कृष्ण का सहस्त्र यानी 1000 नाम, कोई कन्हैया, कोई गोपाल, कोई गिरधर, कोई माखन चोर, कोई मुरली वाला, लेकिन यहाँ 5 अक्षर का पहला नाम मुख से राधेश श्याम, क्योंकि राधा और श्याम यानी कृष्ण, तो राधेश श्याम बोलते हुए चलेंगे। जैसे जैसे स्थान पड़ेगा जानकारी। ये जो छोटा पक्षी वाला जो देख रहे हैं ना, ये वृंदा यानी गोपी का रूप माना गया है, बड़ा वाला कृष्ण का रूप। बोलते हैं जब भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने आग्रह किया, भगवान हमारे साथ महाराज कीजिए, प्रभु हमारे साथ राज कीजिए, तो भगवान तो अकेले थे और गोपियां थी 16108, तो फिर उन्होंने लीला किया। लीला करने के बाद में 16108 रूप किया, तो जितनी गोपी उतने कृष्ण, ये कृष्ण का रूप माने गए हैं और ये गोपी का रूप। आज भी इन वृक्षों को बोलते हैं गोपी और कृष्ण का रूप धारण करके आते हैं। रात्रि में यहाँ इंसान तो इंसान, मोर, पशु, पक्षी, बंदर कोई नहीं रुकता है, सब यहाँ से बाहर निकल हो जाते हैं। यहाँ पर आजू बाजू का घर मकान आज भी 12 से 4 के बीच में मिडनाइट बांसुरी की आवाज और पायल की छलकार सुनाई देती है सबको, और यहाँ अंदर आने वाला वो महाराज देखता है, फिर वो जीवित नहीं बचता है। भरपूर राधे राधे। एक बार फिर से बोलिए राधा भगवान की जय, ललिता महारानी की जय। ललिता सखी के बारे में आपने सुना होगा, 16108 गोपियों में अष्ट सखियों में से एक थी ललिता सखी। तो शरद पूर्णिमा जो आता है ना, शरद पूर्णिमा वाले दिन जब भगवान श्री कृष्ण 16108 गोपियों के साथ में रास कर रहे थे, तो गोपियों को प्यास लगा। जब गोपियों को प्यास लगा तो भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने कहा कि भगवान हमारे लिए पानी का इंतजाम कीजिए, हमें प्यास लग रही है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले कि पीछे में यमुना रिवर है, आप वहाँ जाइए पानी पी आइए। गोपियों ने मना किया, बोले प्रभु वहाँ तो कालियानाग है। कालियानाग के बारे में आपने सुना होगा, 3 दिन 3 रात भगवान ने युद्ध किया था कालियानाग के साथ में, मैं आपको लेके चलूंगा। तो कहते हैं कालियानाग है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि पानी जहरीला और विषैला हो रखा है, हम पियेंगे मर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण से ललिता सखी ने आग्रह किया, और ललिता सखी के बात को वो टाल नहीं पाए। जो बंसी बजाते थे ना, उसी बंसी से इस कुंड को खोदा था, तब ये नाम पड़ा ललिता कुंड। एक बार प्रेम से बोलो ललिता महारानी की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सब लोग ताली बजा के हंसेंगे थोड़ा सा। जो वृंदावन में हंसेगा उसका घर हमेशा बसेगा। ये स्थान जो आप देख रहे हैं सामने में तस्वीर है, जो द्वापर में ललिता सखी थी ना, उन्हीं के कलयुग के अवतार माने गए हैं स्वामी श्री हरदास जी।
स्वामी श्री हरदास जी ने यहाँ पर बैठ करके 12.5 साल तपस्या करने के बाद में वृंदावन बिहारी जी की मूर्ति को प्रकट कराया। प्रकट कराने के बाद में महल में विराजमान करा करके वो जीवित समाधि लेने के लिए फिर यहाँ पर आ गए। लास्ट में मैं उनका समाधि दिखाऊंगा जो स्वामी श्री हरदास जी जो द्वापर की ललिता सखी थी ना उन्हीं का। हाथ जोड़ करके चलेंगे, परिक्रमा करेंगे, माथा लगाएंगे आगे। राधे श्याम राधे राधे श्याम। ये देखो रंग महल है, राधा रानी का श्रृंगार घर। आप लोगों ने सुना होगा, टीवी में देखा भी होगा, रात्रि को यहाँ भगवान ने गोपी का और गोपी मतलब राधा रानी का श्रृंगार किया था। रात्रि में जब पुजारी लोग जाते हैं शयन आरती करने से पहले राधा रानी का शेष सैया है, 5 किलो गुलाब का फूल की पंखुड़ियों से पूरा शेष सैया को सजाया जाता है, 16 श्रृंगार का बंद पैक पिटारी रखा जाता है, लाडू लड्डू रखा जाता है, दातुन रखा जाता है, लोटे में पानी पान का बीड़ा रखा जाता है। 7 ताले लगाने के बाद 2 दरवाजों में पुजारी, तो पुजारी इंसान जीव जंतु सब मोर पशु पक्षी सब यहाँ से निकल जाते हैं, कोई रुकता नहीं है। 5:30 बजे मंगला आरती करने को मॉर्निंग में जब आते हैं 7 ताले खोलते हैं, 7 ताले खोलने के बाद में अंदर चमत्कार देखने को मिलता है। लड्डू खाया हुआ मिलता है, दातुन चबा हुआ मिलता है, लोटे का पानी गायब मिलता है, पान का बीड़ा गायब मिलता है, 16 श्रृंगार का बंद पैक पिटारी पूरा सामान बिखरा हुआ मिलता है। कल का सामान जो यूज किया हुआ है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के द्वारा वो सामान बिस्तर पर आपको देखने को मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलो राधा कृष्ण भगवान जय। आगे सब लोग देखिए, जो भगवान ने 16,108 गोपियों के साथ में 16,108 रूप लेकर के जो रास किया वो ये स्थान है। आज भी भगवान यहाँ एवरी नाइट रास करने को आते हैं, रात में कोई रुकता नहीं है। जो इंसान यहाँ रात में छिप करके महाराज देखने को आया, लोभ मोह माया अहंकार संसार परिवार को त्याग करके बोला यार अब तो बहुत हो गया, प्रभु को पाना है, बैकुंठ को जाना है, जाएंगे महाराज देखेंगे और उसके बाद में परमात्मा से मिल जाएंगे। तो उनका कहते हैं ना, ये समाधि जो देख रहे हैं ये समाधि है ना, ये उन भक्त लोगों का समाधि है जो यहाँ आए छिपे छिप करके महाराज देखा, सुबेरे वो उनका बॉडी रह गया, बॉडी में से आत्मा परमात्मा के पास चला गया। तो ये सिर्फ बॉडी, और बॉडी को ले जा करके कहीं जलाया नहीं गया, दफनाया नहीं गया, उनका यहाँ समाधि बना दिया गया। आज भी यहाँ भगवान रास करने को आते हैं। जब भोलेनाथ आए थे तो पता है क्या रूप लेकर के आए थे, गोपी का रूप लेकर के आए थे, और भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी वो तो पहचान गए, तो गोपेश्वर महादेव जो नाम दिया, कृष्ण का दिया हुआ नाम है गोपेश्वर महादेव। यहीं पर ही बंसी चोरी कर ली राधा रानी ने, और सामने में बैठ के बजाए तो बंसी चोर राधा रानी। कहते दुनिया का माखन चोरी करके खाने वाले भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं का बंसी चोरी कर लिया। क्यों चोरी किया? जब भगवान बंसी बजाते थे तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो उनको ईर्ष्या और जलन होती थी, ये बंसी बजाते हैं प्रभु हम पे ध्यान ही नहीं देते, तो इसलिए उनकी बंसी चोरी कर लो। दाएं में ललिता बाएं में विशाखा, बातों में लगा लिया उन्होंने, और राधा रानी पीछे से बंसी चोरी करके सामने में बैठ के बजाई। राधा रानी ने पूछा कि प्रभु देखिए आपने 16,108 गोपियों को मनोकामनाओं को पूरा किया, रात्रि में जो भक्त लोग आए उनकी मनोकामनाओं को पूरा किया, उनके अपने साथ बैकुंठ धाम ले गए, दिन में जो भक्त लोग आएंगे उनकी मनोकामनाओं को कैसा पूरा करेंगे? बोले मैं वृंदावन बिहारी, वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल, तुलसी के जंगल से जो मूर्ति प्रकट, नंद महल में विराजमान, जो भी जैसी मनोकामना मांगेगा, अन वाला अन, धन वाला धन, भक्ति वाला भक्ति, संतान वाला संतान, वो उसकी मनोकामना वहाँ पूरी करूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। हंस के ताली बजाइए, बोलिए एक राउंड चल दीजिए, राधे राधे, ये रास हो गया। दर्शन कीजिए बंसी चोर राधा रानी, इनका नाम पड़ा पूरे पूरे विश्व में, भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, लेकिन यहाँ राधा रानी। ये राधा कृष्ण और इधर में जितनी गोपी उतनी कृष्ण, यानी 16,108 गोपी थी तो 16,108। इधर में अभी जो नंद महल चलेंगे, भगवान श्री कृष्ण का घर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण माखन का मटकी चोरी कर लाते थे और मित्रों के साथ और बंदरों के साथ मिल बांट करके खाया करते थे। भगवान के घर में 9 लाख गाय थी, लेकिन दूसरे का माखन खाते थे चोरी करके, वो भी क्यों? जो मन में सच्ची भावना रखता था, सच्ची श्रद्धा रखता था, वरना मटकी फोड़ दिया करते थे, ठीक है ना। एक बार प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो मीरा माता की जय। ये मीरा भाई भजन आश्रम जो लिखा है ना, भगवान भजन आश्रम चित्तौड़ की जो महारानी मीराबाई थी, उन्होंने अपना राजपाट त्याग करके भगवान श्री कृष्ण का घर में यहाँ आकर के उनको भक्ति किया और उन्हीं में लीन हो गई। आज भी यहाँ पर
मीरा भाई तो रही नहीं, 2000 वीडियो लेती, यानी 2000 मीरा भाई यहाँ बैठ करके नीचे में भजन, सुबह में 4 घंटे, शाम को 2 घंटे, 1-2-3 बिल्डिंग में यहाँ करती हैं, जिनको जिनका कोई नहीं होता, अनाथ होती हैं, बूढ़ी बूढ़ी माता जिनके बेटे बहू घर से धक्के मार के निकाल देते हैं, वो कहाँ आ जाती हैं, वृंदावन में, वो मीरा भाई कहलाई हैं, यहीं इसी मंदिर वृंदावन बिहारी से, उनको 2 वक्त का भोजन, गर्मियों को जाड़ों का वस्त्र यहीं से ही प्रदान किया जाता है, और उनको रहने का ऊपर में स्थान है सबका। एक बार प्रेम से बोलो मीरा माता जी जय, हंसी करो थोड़ा, भगवान ने कालियानाग से युद्ध किया, 3 दिन 3 रात पानी में रहकर युद्ध करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग में युद्ध करने के लिए बॉल को डाल दिया, और बॉल लेने के लिए कूद जाते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया तट पे आकर खड़े हो जाते हैं, यमुना का तट पे, जब सुबह से शाम हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण पानी में से निकल करके नहीं आते, माँ बोलती है बेटे जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं भी जी करके क्या करूंगी, मैं भी अपने प्राण दे दूंगी, ऐसा बोल करके पानी में छलांग लगा जाती है। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी, वो तो सब पता है क्या है, अपनी माँ की परीक्षा लेना चाहते हैं, एक रूप से कालियानाग का युद्ध, कालियानाग से रूप लेकर के युद्ध, दूसरा रूप कछुए का लेकर के, जैसे ही अपनी माँ की तरफ आगे बढ़ते हैं, माँ बेटे को भूल गई, बोल करके गई कि बेटा नहीं तो मैं भी नहीं, बाहर तट पे आके खड़ी हो जाती हूँ। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के मुख से श्राप निकला, माँ आई तो तुम मेरे लिए थी, लेकिन तुमको तुम्हारे प्राण प्यारे लगे, तुम बाहर भाग गई, मैं श्राप देता हूँ कि कलयुग में ऐसा समय आएगा कि जवान जवान मेरे जैसे सारे मर जाएंगे, आप जैसे बुजुर्ग भी रह जाएंगे। 3 दिन 3 रात के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण कालियानाग से युद्ध करते हैं, कालियानाग से युद्ध करने के लिए कालियानाग को मारने लगते हैं, कालियानाग की पत्नी विलाप करती है, बोले प्रभु हमारे पति को मत मारो, पहले आप हमारा कारण जानो, हम यहाँ क्यों छुपे। कालियानाग से जब पूछा कि तुम यहाँ आकर के क्यों छुपे, भगवान से क्या कहा कालियानाग, प्रभु देखिए आप तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार, यदि आप हमें मार दोगे तो हमें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन हमारा कारण ये है कि जो गरुड़ होता है ना, गरुड़ के डर के वजह से हम लोग नाम और सर हम यहाँ आकर के छिप गए थे, तो भगवान ने उसको पद चिन्ह पैरों के निशान दे दिए, तू बोले यहाँ से वृंदावन यमुना में अब कभी नहीं आना। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर के कालियानाग पत्नी के साथ वृंदावन छोड़ करके चला गया। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही तट पे निकल करके आते हैं, माँ ने गोद में उठाया, लाड़ प्यार से, लाला तू नहीं आता तो मैं अपने प्राण देने जा रही थी, तो भगवान बोलते हैं मैया क्यों झूठ बोलती है, आई तो तुम मेरे लिए थी, लेकिन तुमको तुम्हारे प्राण प्यारे लगे, कछुए को देख करके तुम बाहर भाग गई और मेरे मुख से श्राप निकला था। उस श्राप का नंद बाबा ने जब ये बात मालूम पड़ी तो नंद बाबा ने कहा कि बेटा 10-20-40-50 साल में कलयुग खत्म हो जाएगा, आगे इस वंश कैसे चलेगा, इस श्राप का मुक्ति के उपाय बताओ। उन्होंने क्या उपाय बताया कि बाबा आपके पास में जो 9 लाख गाय हैं उन गायों को मुझे दान में दे दीजिए, मैं वृंदावन को गौलोक भूमि बनाऊंगा। आज भी हमारे यहाँ वृंदावन को गायों को जो होता है ना, लंगड़ी हो लूली हो, दूध दे ना दे, कसाईयों को नहीं बेचा जाता है, गौशालाओं में रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, चाहे दूध दे या ना दे तो गौशालाओं में रखी जाती है। गोपाल नाम क्यों पड़ा, गौ मीन्स गाय और पाल माने पालन करता, तो ये गोपाल है, तो गाय को पालते थे तो गोपाल नाम पड़ा। तो भगवान फिर क्या किया, उन्होंने अपना पुत्र धन में बहाया, अपने अंधे माता पिता को 4 धाम, श्रवण कुमार का नाम सुना है, 4 धाम की यात्रा करा रहे थे, 3 धाम का यात्रा तो पूरा करा दिया, 4थे धाम में वो क्या हुआ, दशरथ का तीर लगा तो श्राप दे दिया उन्होंने, कोई भी अपने माता पिता को 4 धाम नहीं करा पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से ही अपने माता पिता बहन सुभद्रा बलदाऊ जी को लेकर के हमारे हिंदुओं का 4 धाम जगन्नाथपुरी बद्रीनारायण द्वारका हमारे हिंदुओं का, जैसे मुसलमान हज करने मक्का मदीना जाता है ऐसे ही हमारा हिंदू भाई, तो क्योंकि 4 धाम किसी के माता है श्रापित है ना, किसी के माता है तो पिता नहीं, पिता है तो माता नहीं, माता पिता है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो धन नहीं, धन है तो समय नहीं, समय है तो मन नहीं, कुछ ना कुछ एक कारण बन जाता है, क्योंकि भारत का जो 4 धाम है एक जगह तो है नहीं, 4 कोने में 4 धाम है, तो कोई भी नहीं जा पाता है, तो ये 4 धाम के माता पिता भगवान ने यहीं से 4 धाम आरंभ किया और यहीं आकर के खत्म किया। तो अंदर में अब जो दर्शन करेंगे, नंद बाबा यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ जी राधा कृष्ण, तो ये 4 धाम के माता पिता का दर्शन है। यहाँ पर ठाकुर जी का लगता है भोग, क्यों भगवान ने कालियानाग को नाथ करके बैठ के विश्राम किया, दही मक्खन का भोग खाया, तो यहाँ ठाकुर जी का एक ही स्थान है, 5,500 मंदिर में सब जगह हाथ जोड़ करके खड़े होकर दर्शन, लेकिन यहाँ बैठ करके करते हैं, क्यों भगवान ने कालियानाग को नाथ के बैठ के विश्राम किया, एक ही स्थान में भोग का पुण्य का दान का जो पैसा आता है भगवान तो खाते नहीं, आप भी हम घर में भोग लगाते हैं तो हम तो ठाकुर जी तो खाते नहीं, ठाकुर जी भाव का भूखे होते हैं, जो दान का पुण्य का भोग का पैसा आता है, अनाथ दीन दुखी ट्रस्ट लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो मीरा भाई मैंने आपको बताया साधु संत ब्रजवासी और जो गौ सेवा, जो हमारे यहाँ गायों को जो पाला जाता है तो गौ सेवा, तो उसमें ठाकुर जी का पैसा, जो अच्छा कर्म का जो पैसा होता है ठाकुर जी उसी को स्वीकार करता है। मैंने आपको बताया 9 लाख गाय था लेकिन माखन उसी का खाता था जो मन में सच्ची भावना रखता था। राधे श्याम राधे श्याम।